মো দেউতার নাম গোপাল চন্দ্র দাস, মার নাম রাধিকা দাস। দিনতে আহিছিল। पीट पीट कर मारने का ये वीडियो बेहद ही दर्दनाक है। 8 से 10 लोगों की भीड़ है जो 2 लोगों को बुरी तरह से पीट रही है। दरिंदगी की हद पार करने वाले वीडियो में पीट रहे लोग भीड़ से रहम की भीख मांग रहे हैं। दोनों लोग बार बार भीड़ से यही कहते रहे कि उन्हें छोड़ दिया जाए और वहां से जाने दिया जाए, लेकिन रात के अंधेरे में भीड़ के सिर पर मानो खून सवार था। पिटाई के बाद बुरी तरह से लहूलुहान होने के बाद भी वहां मौजूद लोगों को कोई दया नहीं आई। মো দেউতার নাম গোপাল চন্দ্র দাস, মার নাম রাধিকা দাস। দিনতে আহিছিল। आज का वायरल एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लोगों की भारी भीड़ कैसे 2 युवकों की जान का दुश्मन बन गई। इन दोनों युवकों को तब तक पीटा गया जब तक इनकी जान नहीं चली गई। कातिल भीड़ की दरिंदगी का ये वीडियो जिसने भी देखा दिल दहल गया। 2 युवक हाथ जोड़कर जान बख्शने की भीख मांग रहे हैं, रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उनके सर पर तो खून सवार था। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो असम के कार्बी इलाके का है, जहां पर दोनों युवक घूमने के लिए आए थे, लेकिन बच्चा चोरी के आरोप में ये दोनों युवक लोगों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने इन पर हमला बोल दिया। भीड़ के 2 युवकों को पीट पीट कर मार डालने का सच क्या है? जिन 2 युवकों की हत्या की गई वो दोनों आखिर कौन है? हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो हैरान कर देने वाला वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। মো দেউতার নাম গোপাল চন্দ্র দাস, মার নাম রাধিকা দাস। দিনতে আহিছিল। तालिबानी भीड़ के बीच फंसे 2 लोगों का वीडियो कहाँ का है? मो देउतार नाम गोपाल चंद्र दास, मार नाम राधिका दास। दरिंदगी की हद पार करने वाला वीडियो किसका है? भीड़ के हाथों पीट रहे 2 शख्स आखिर कौन है? ये वो सवाल है जो इस वायरल वीडियो को देखने के बाद बार बार सामने आए। इन सवालों की पड़ताल करने के लिए हमने वीडियो को खंगाला। हमारी पड़ताल में क्या सामने आया ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। মো দেউতার নাম গোপাল চন্দ্র দাস, মার নাম রাধিকা দাস। দিনতে আহিছিল। वायरल वीडियो में 2 लोग जमीन पर गिरे हैं और कुछ लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। पूरी तरह से वहशी बन चुकी भीड़ लाठी डंडों से इनकी पिटाई कर रही है। दोनों शख्स भीड़ से छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जान लेने पर उतारू भीड़ ने उनकी एक न सुनी। उत्तेजित भीड़ ने उनकी गाड़ी, उसमें मौजूद सामान और उनके मोबाइल को भी तहस नहस कर डाला। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन ना तो वहाँ दूर दूर तक पुलिस दिखी और ना ही किसी ने इन पिट रहे दोनों लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। भीड़ ने दोनों युवकों की जान ली। गोपाल चंद्र दास, मार नाम राधिका दास। आखिर असम में भीड़ ने 2 युवकों की जान क्यों ली? भीड़ ने दोनों युवकों को क्यों पीट पीट कर मार डाला? असम में कहां घूम रही है जान लेने वाली वहशी भीड़? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए हमने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सच जानने की कोशिश की।
वीडियो और उसकी तस्वीरों में एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखी। इस गाड़ी पर असम की नंबर प्लेट लगी थी, जिसके बाद ये साफ हुआ कि वीडियो असम का है। लेकिन अभी ये पता करना बाकी था कि वायरल वीडियो असम में कहां का है। हमने वेबसाइट्स पर सर्च किया, वीडियो की जांच में हमें ये पता चला कि वीडियो असम के कार्बी आंगलोंग जिले का है और घटना शुक्रवार रात की है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने वीडियो के पीछे की जो हकीकत पता की उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों की जान ले ली। कार्बी आंगलोंग इलाके में भीड़ का जो विभत्स चेहरा सामने आया, उसके पीछे की वजह है इलाके में फैली बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से असम में अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, और इसी अफवाह के बाद भीड़ के शक का शिकार बने नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ। सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे महज शक के आधार पर कोई किसी की जान ले सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हैं, परेशान हैं। सवाल ये भी है कि इन दोनों युवकों का बच्चा चोरी गैंग से क्या कनेक्शन था? क्या वाकई इन दोनों युवकों ने किसी बच्चे को चुराया था? बच्चा चोरी गैंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाह का आखिर सच क्या है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने शुरू की इस वायरल वीडियो की पड़ताल। दरअसल असम के कई इलाकों, गांव और शहरों, खासकर कार्बी आंगलोंग में कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर बच्चों को चुराने वाले गिरोह से आगाह करने वाला मैसेज वायरल हो रहा था। शुक्रवार की रात एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में कहा गया था कि इलाके में बच्चा चुराने वाला एक गैंग घूम रहा है। व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में कहा गया कि कुछ लोग एक काली गाड़ी में बच्चों को चुरा कर ले जा रहे हैं। जिस वक्त ये मैसेज वायरल हुआ, उसी वक्त अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास काले रंग की अपनी स्कॉर्पियो कार में वहां से गुजर रहे थे। भीड़ ने दोनों को बच्चा चोर समझकर उनकी कार को देखते ही रुकवा दिया और उन्हें बाहर निकालकर पिटाई शुरू कर दी। इंडिया टीवी की तहकीकात में यह बात सामने आई कि वायरल वीडियो में जो दो शख्स दिख रहे हैं वो दोनों दोस्त हैं। लंबे बालों वाले शख्स का नाम नीलोत्पल दास है, जो एक साउंड इंजीनियर थे। नीलोत्पल दास को नेचुरल म्यूजिक बनाने में महारत हासिल थी। उनके पुराने वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शानदार म्यूजिक बनाते थे। नीलोत्पल असम के रहने वाले थे और फिलहाल वो मुंबई में रहते थे। तो वहीं नीलोत्पल दास के साथ जिस शख्स की भीड़ ने हत्या की, वो उनके दोस्त अभिजीत नाथ थे। अभिजीत भी गुवाहाटी के रहने वाले थे और उनका कारोबार था। शुक्रवार को वो और नीलोत्पल कार्बी आंगलांग के काठी लांगसू पिकनिक स्पॉट पर गए थे और वहां से लौटते वक्त भीड़ के बीच में घिर गए। बताया जा रहा है कि भीड़ ने पहले नीलोत्पल के बालों का जूड़ा काट दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बच्चा चोरी के शक में हत्या की खबर जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने इस विभत्स वारदात की जांच के आदेश दिए। इंडिया टीवी की तहकीकात में यह साबित हुआ कि यह वीडियो असम के कार्बी इलाके का है, जहां पर दोनों युवक पिकनिक स्पॉट जा रहे थे, लेकिन लोगों की भारी भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर मार डाला। वायरल वीडियो की तहकीकात में पता चला कि इन दोनों युवकों का बच्चा चोरी गैंग से कोई लेना देना नहीं था। महज शक के आधार पर भीड़ ने इन दोनों युवकों पर हमला किया और बच्चा चोरी गैंग की अफवाह की वजह बनी इन दोनों युवकों की हत्या की वजह। जरूरत है ऐसी अफवाहों से बचने की।